अगर आप एक्शन कॉमेडी मूवीज देखना पसंद करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि बैड बॉयज सीरीज़ आपकी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज़ में से एक ज़रूर होगी। और उसका रीज़न भी काफ़ी सिंपल है, मूवी में बहुत ही बैडास एक्शन होता है और उतनी कूल कॉमेडी भी होती है। और ऑफ कोर्स मूवी में विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की तगड़ी स्टार पावर थी, तो कोई इस फ्रेंचाइजी से क्या ही कंप्लेन करेगा। लेकिन एक कंप्लेन मूवी के फ्रेंचाइजी से हर किसी को ज़रूर थी कि इन मूवीज़ के बीच में बहुत ही लंबा गैप लेता था। अगर आपको नहीं पता तो 1995 में पहली मूवी रिलीज़ हुई थी, उसके बाद 2003 में दूसरी और 2020 में तीसरी। तो इस बार भी यही अंदाज़ा था कि अब चौथी मूवी देखने के लिए हमें और 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस फ्रेंचाइजी की चौथी मूवी बैड बॉयज़ राइड और डाई ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है, और अगर आपने इसको थिएटर में नहीं देखा है तो हाल ही में ये OTT पे भी रिलीज़ होगी। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बैड बॉयज़ फ्रेंचाइजी की चौथी मूवी बैड बॉयज़ राइड और डाई के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो में इस मूवी के रिलेटेड कोई भी मेजर स्पॉइलर नहीं दूंगा जो कि आपके मूवी देखने का मज़ा ख़राब करे। तो जैसे कि मैंने कहा, तीसरी मूवी रिलीज़ होने के बाद सिर्फ 4 साल में ही हमें चौथी मूवी देखने को मिली, और इसी वजह से स्टोरी में कंटिन्यूटी है, यानी कि वही स्टोरी कंटिन्यू होती है जो हमें थर्ड मूवी में देखने को मिलती है, जो कि पहले तीनों मूवीज़ में मिसिंग था, क्योंकि उन तीनों मूवीज़ में बहुत ही लंबा गैप था। और आप अगर उन तीनों मूवी को स्टैंड अलोन मूवीज़ की तरह भी देखोगे तो आपको स्टोरी के मामले में तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन इस मूवी में ऐसा नहीं है। इस मूवी में हमें तीसरे मूवी की स्टोरी और उनके कुछ कैरेक्टर ही कंटिन्यू किए हुए दिखाई देते हैं। अगर इस मूवी का ट्रेलर आपने देखा होगा तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मार्टिन लॉरेंस, जिनकी एक्चुअल एज 59 है, वो किसी भी शेप में नहीं है कि वो एक्शन हीरो का कैरेक्टर प्ले करे। वहीं दूसरी तरफ विल स्मिथ, जिनकी उम्र भी काफ़ी कम नहीं है, वो भी 55 के हो चुके हैं, लेकिन एटलीस्ट वो उस शेप में है कि वो एक्शन कर सके। तो इस मूवी में हमें यही स्प्लिटिंग देखने को मिलती है कि मार्टिन लॉरेंस ने पूरा कॉमेडी का जिम्मा उठाया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक्शन नहीं किया, लेकिन एक्शन मेनली फोकस है विल स्मिथ के कैरेक्टर पे, और मार्टिन लॉरेंस हमें कॉमेडी करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि उनके एज के हिसाब से काफ़ी अच्छी बात भी है। अगर ओवरऑल मैं इस मूवी के सेलिंग पॉइंट के बारे में बताऊँ तो उसमें सबसे पहले आता है एक्शन और कॉमेडी। मूवी के एक्शन काफ़ी इनोवेटिव है, और अगर आपने कुछ वायरल हुए हुए वीडियो देखे होंगे जो कि इस मूवी की बिहाइंड द सीन्स की स्टोरी बताते हैं, तो इसमें काफ़ी इनोवेटिव और यूनिक कैमरा टेक्निक का यूज़ किया गया है जो कि देखने में काफ़ी कूल लगते हैं। और वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें मूवी के कॉमेडी की, तो पहले तीनों मूवी के हिसाब से कॉमेडी के मामले में तो ये मूवी स्टेप अप है। हालांकि ये डिपेंड भी करता है कि आप मूवी हिंदी में देख रहे हो या फिर इंग्लिश में। हिंदी में डब करते हुए मूवी के काफ़ी सारे जोक्स को काफ़ी टोन डाउन किया गया है, हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि आपको उसका मज़ा नहीं आएगा, मूवी फिर भी एंटरटेनिंग है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप मूवी को इंग्लिश में देखें ताकि आप उसकी कॉमेडी का और मज़ा ले सकें। और फिर बात करते हैं मूवी के सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट की, वो है मूवी की स्टार कास्ट। मूवी के मेन स्टार विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस, जो कि पिछले 30 साल से इस फ्रेंचाइजी में काम कर रहे हैं, उन दोनों की केमिस्ट्री कमाल की है। फिर वो चाहे ऑन द स्क्रीन हो या फिर अगर आप उनके इंटरव्यूज़ या फिर सोशल मीडिया अपीयरेंस देखते हो, तो ऑफलाइन भी उन दोनों की केमिस्ट्री उतनी कमाल की है, और यही चीज़ आप मूवी देखते टाइम लिटरली फील कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। फिर आते हैं मूवी के सपोर्टिंग कास्ट के बारे में। तो मूवी का सपोर्टिंग कास्ट में अगर आपने थर्ड मूवी देखी हो तो लगभग सारे ही कैरेक्टर्स हमें इस मूवी में वापस देखने को मिलते हैं अपना अपना रोल निभाते हुए। और स्पेशल मेंशन मैं देना चाहूँगा जेकब स्किपियो को, जिन्होंने पिछले मूवी में विल स्मिथ के नाजायज औलाद यानी कि अर्मांडो अर्टेयास का रोल प्ले किया था, और उनका ये कैरेक्टर इस मूवी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मूवी देखते टाइम मुझे जरूर ये फीलिंग आई, मुझे पता नहीं पर्सनली आपको किसी को आई है या नहीं है, लेकिन ये मूवी बहुत हद तक पासिंग ऑफ द टॉर्च यानी कि बैड बॉयज़ की फ्रेंचाइजी अगर विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस के बाद भी आगे चलती है तो यही अर्मांडो आर्टेस का कैरेक्टर विल स्मिथ के कैरेक्टर की जगह ले सकता है, ऐसा मुझे तो पर्सनली फील हुआ। आपको अगर फील हुआ है तो कमेंट पर मुझे ज़रूर बताइए। और अगर अब मैं बात करूँ मूवी के स्टोरी की, तो अगर आपने बैड बॉयज़ फ्रेंचाइजी की पहली तीनों मूवीज देखी हैं तो आपको पता है कि बैड बॉयज़ फ्रेंचाइजी के राइटर्स मूवी की स्टोरी पे उतना ही काम करते हैं जितने सलमान खान की मूवीज़ के राइटर करते हैं, और इस बात से किसी को कंप्लेन भी नहीं, क्योंकि बैड बॉयज़ में एक्शन और कॉमेडी स्टोरी को पूरी तरह ओवरशैडो कर देती है, और बैड बॉयज़ 4 की स्टोरी भी इसी चीज़ को कंटिन्यू करती है। हालांकि इस बार थोड़े से चेंजेस मुझे ज़रूर लगे, थोड़ी सी इमोशनल साइड दिखाने की कोशिश की गई हमें दोनों कैरेक्टर्स के बीच में, लेकिन वो उतनी क्लिक होगी या फिर नहीं होगी ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। मेरे लिए तो उतनी क्लिक नहीं हुई क्योंकि मैं बैड बॉयज़ की मूवी देखता हूँ मूवी के एक्शन कॉमेडी के लिए, तो इसी वजह से ना मैं मूवी से किसी कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन को एक्सपेक्ट कर रहा था ना किसी इमोशनल डेप्थ वाले सीन्स को। हालांकि इमोशनल डेप्थ वाले सीन्स हमें थोड़े थोड़े मिलते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सब्जेक्टिव चीज़ है। अगर मैं बात करूँ बैड बॉयज़ के म्यूज़िक के बारे में, तो पिछले तीनों मूवीज़ की तरह ही इस मूवी के भी हर एक्शन सीन हैवी BGM से भरे हुए हैं, जो कि देखने में काफ़ी एंटरटेनिंग लगते हैं। और वही दूसरी तरफ अगर
सिनेमाटोग्राफी की, तो पूरी मूवी शूट हुई है पहले तीनों मूवीज की तरह मायामी फ्लोरिडा में। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ब्यूटीफुल बीचेस, सीनरी, ऊंची स्काई राइज बिल्डिंग देखने को मिलती है, जो कि बैड बॉयज़ की एक तरह से पहचान बन चुकी है। तो इस मामले में भी बैड बॉयज़ को पूरे नंबर मिलने चाहिए। मूवी का टोटल रन टाइम है 115 मिनट का, जो कि किसी भी एक्शन कॉमेडी मूवी के लिए एक आइडियल रन टाइम है। और मूवी की स्टोरी भी सिंपल होने के कारण 115 मिनट पे ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं लगती और काफ़ी फास्ट पेस भी नहीं लगती। तो मूवी अपने स्पीड से चलती रहती है, आपको कहीं भी बोर नहीं करती, आपको हमेशा एंटरटेन रखती है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव बात है। तो फाइनली बैड बॉयज़ राइड और डाई मूवी के बारे में मेरा ओवरऑल ओपिनियन यही है कि फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने बैड बॉयज़ फ्रेंचाइजी की पिछली मूवीज़ देखी हो या फिर नहीं हो, बैड बॉयज़ मूवी के आप फ़ैन हो या फिर नहीं हो, ये मूवी आपको एक मस्ट वॉच होनी चाहिए, क्योंकि एक्शन कॉमेडी के मामले में ये आपको कहीं पे भी निराश नहीं करेगी। और अगर आप ऑलरेडी ये मूवी देख चुके हो तो कमेंट मुझे ज़रूर बताइए आपका इस मूवी के बारे में क्या ओपिनियन है।